हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधिका। एज यू नो, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश चैप्टर इन वाव इंग्लिश बुक। सो हियर इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, बेटर मी। यहाँ पर थोड़ा चैप्टर के बारे में दे रखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। हैव यू एवर थॉट वाई योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़? पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ नॉट ओनली फन but also informative. Such activities teach you more than textbooks do. Let's read this unit and find out how. इसमें ये कहा गया है, कभी आपने सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको क्यों इनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स में या अदर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए? सिर्फ हमेशा पढ़ते रहने से भी ज़्यादा मतलब वो ठीक नहीं समझते हैं, तो वो इनकरेज करते हैं आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने से हमें सिर्फ फ़न ही नहीं मिलता है, इससे हमें इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, जैसे कि शिक्षा भी मिलती है हमें उन चीज़ों से। कभी कभी एक्टिविटीज़ से हमें ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है, ना कि कभी इतना, कभी कभी जैसे बुक से भी ज़्यादा हमें एक्टिविटीज़ से कुछ सीखने को मिल जाता है। तो अब हमें यही इसमें देखना है चैप्टर में क्या है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस ये इतना सही है यहाँ पर। गेटिंग स्टार्टेड, प्रिया वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल पिकनिक। द स्कूल बस had almost reached the pickup point. She wanted to wear her favorite pair of shoes but couldn't find them. She looked everywhere but they were nowhere. इसमें बताया गया एक लड़की है प्रिया नाम की, जो स्कूल पिकनिक पर जाने के लिए लेट हो रही है। अब वो लेट क्यों हो रही है, और जबकि उसकी स्कूल की जो बस है वो पिकअप पॉइंट पर आ गई है जहाँ पर उसको पहुँचना था, लेकिन वो लेट हो रही है बार बार क्योंकि उसके जो फेवरेट पेयर हैं शूज़ के, मतलब जो फेवरेट जूते हैं वो उसके मिल ले रहे हैं, और वो उनको बहुत देर से तलाश भी कर रही है लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। उसने सब जगह देख ली लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिले। अब उसके पास देखो, नाउ प्रिया हैड थ्री ऑप्शंस। उसके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टेक ऑल हर शूज़ आउट ऑफ द शू रैक एंड ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली, दिस वे शी कुड फाइंड हर फेवरेट शूज़। अब देखो, या तो वो ये कर सकती है कि उसके जो शू रैक में, देखो ये उल्टे पुल्टे हो रखे हैं ना सारे, तो या तो वो शू रैक में से सारे शूज़ निकाल देगी और फिर उनको प्रॉपरली लगाएगी शू रैक में, ठीक है, पेयर वाइज, तो फिर उसके बाद इस तरह से उसके नए शूज़ मिल जाएंगे। ऑप्शन बी है, वियर अनदर पेयर ऑफ शूज़ एंड कैच द स्कूल बस, या तो फिर वो दूसरे शूज़ पहन कर चली जाएगी, स्कूल बस को पिक कर लेगी, ठीक है। सी ऑप्शन है, मिस हर स्कूल बस एंड कीप सर्चिंग फॉर द शूज़ आफ्टर फाइंडिंग हर शूज़ आज हर पेरेंट्स टू ड्रॉप हर ऑफ टू द स्कूल। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी स्कूल बस को मिस कर देगी, छोड़ देगी और अपने शूज़ को ढूंढती रहेगी, और उसकी जो पिकनिक के लिए बस आई थी उसको वो छोड़ देगी, और फिर जब वो मिल जाएंगे बस शूज़ जब उसके मिल जाएंगे तो वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल ड्रॉप करने के लिए ऑफर करेगी, ठीक है। तो अब ये तीन ऑप्शन हैं, देखो क्या पूछा गया नीचे। अब व्हाट यू थिंक प्रिया शुड हैव डन, ऑर्गेनाइज दीज ऑप्शन एज गुड बेटर एंड बेस्ट। अब इसमें पूछा है कि आपको क्या लगता है तीनों ऑप्शंस में से प्रिया को क्या करना चाहिए था, तो और इनको गुड बेटर बेस्ट में डालना है आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने गुड में, मुझे लगता है उसका सी ऑप्शन है, क्योंकि ये अगर ये करती है तो मुझे सी लगता है, और ए ऑप्शन मुझे लगा है ये बेटर ऑप्शन है, और बेस्ट ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि बी वाला, वियर अनदर पेयर ऑफ शूज़ एंड कैच द स्कूल बस, क्योंकि शूज़ जो उसके फेवरेट है ये ज़रूरी थोड़ी है, पिकनिक से ज़्यादा तो नहीं है, पिकनिक में वो पता नहीं क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेगी, है ना, तो शूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए उस टाइम पर, तो उसे मुझे लगता है कि ये बी वाला ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है, तो उसको ये करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक ऑप्शन बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब आपको ये क्यों लगता है कि ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, तो मुझे इसलिए लगता है, मैंने यहाँ पर देखो फिल किया है ये, अब आप इसको फिल कर लीजिएगा, देख लीजिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट आर टाइम ऑन सच एक्टिविटीज़, दैट इज़ वाई दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है यह इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के ऊपर था। अब यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, ये सारा मैं इसकी पिक सेंड कर दूँगी आपको, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये फोनिक्स फन दे रखा है STR साउंड में और SPR साउंड में, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी पोएम टाइप में दे रखा है, ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग जस्ट बिफोर स्प्रिंग। देखो ये SPR साउंड स्प्रिंग हो गया, STR साउंड स्ट्रे हो गया, STR साउंड स्ट्राइड, स्ट्रोलिंग, स्प्रिंकल, स्प्रे, स्ट्रट्स,
स्प्रिंग्स। तो ये SP और STR साउंड्स के वर्ड्स हैं जो आपको इसमें सीखने हैं। जो ब्लू वाले दे रखे हैं वो लेटर, जो ब्लू वर्ड्स के हैं वो STR साउंड्स के हैं, और जो रेड वाले दे रखे हैं, ये ऑरेंज वाले जो दे रखे हैं, वो SPR साउंड्स के हैं। तो इसमें ये दो साउंड्स बता रखे हैं फोनिक्स वन। अब आपको करना क्या है होमवर्क के लिए, यहाँ पर ये मैंने वैसे कर रखा है लेकिन ये आपको खुद से करना है। जो SPR साउंड्स वाले हैं उनको आपको सर्कल करना है, ठीक है, जैसे मैंने कर रखा है एज यू कैन सी। और जो STR साउंड के हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है खुद से, ठीक है। अब यहाँ पर तीन वर्ड्स बताने हैं आपको STR साउंड्स के और SPR साउंड्स के, तो ये मैं आपको कल लिखवा दूंगी, फिलहाल लिखने नहीं है आपको, या मैं लिखकर इसको सेंड कर दूंगी आपको। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दे रखा है, तो ये ग्रामर का पोर्शन आ गया, ये हमें नहीं करना, ये हम ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसकी स्टोरी देखते हैं, प्री रीडिंग सेक्शन, ये आता है आपका रीडिंग सेक्शन। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्लास। अब हमें ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको पढ़ना है, डिस्कस करना है। फर्स्ट इज हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट चैलेंज। अगर कभी आपके सामने कोई डिफिकल्ट चैलेंज आ जाता है तो आप उसके लिए कैसे खुद को तैयार करते हैं। व्हाट विल यू डू इफ थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान और डू नॉट वर्क इन योर फेवर। और आप क्या करोगे अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएं, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो, वैसा ऐसा तो कभी होता नहीं है कि लाइफ में हम जो चाहें वो हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करोगे वही हमें इसमें देखना है। थर्ड इज हाउ शुड यू फेस अ सिचुएशन वेयर यू नो यू माइट नॉट विन। अब एक ऐसी आप क्या आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप किसी कीमत पर भी जीतोगे नहीं, तो आप उस टाइम पर क्या करोगे, यही अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखते हैं रीडिंग सेक्शन। मनीषा कुड हियर हर हार्ट बीटिंग लाइक अ ड्रम। टेकिंग हर पोजिशन एट द स्टार्टिंग लाइन शी मर्मर्ड टू हर सेल्फ, आई होप आई हैव ट्रेंड इनफ। शी हैड नेवर रन अ 3 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस अलॉन्ग विथ सो मैनी कंपिटिटर्स। मनीषा के बारे में ये स्टोरी है। तो मनीषा कह रही है उसमें जो इस चैप्टर में बता रखा है वो देखिए। मनीषा की जो हार्ट बीटिंग थी वो एक जैसे ड्रम होता है इस तरह से उसको फील हो रहा था कि जैसे एक ड्रम की आवाज़ होती है धड़ धड़ करके, ऐसी उसको अपनी धड़कनों की आवाज़ ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी हार्ट बीट ऐसी हो रही है। तो वो अपनी पोजिशन लेती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर वो रेस के लिए तैयार हो रही है, तो वो बहुत घबरा रही थी, इसलिए फिर उसने अपनी पोजीशन ली स्टार्टिंग लाइन पर। और मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाना, ठीक है, वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी, जैसे खुद से ही बात कर रही थी, कह रही थी आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से ट्रेंड हो चुकी हूँ। और क्योंकि उसने कभी भी इतनी मतलब क्रॉस कंट्री रेस जो होती है, जैसे 3 किलोमीटर की कंट्री रेस दे रखी है, छोटी सी रेस होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो क्रॉस कंट्री जो क्षेत्र में ही वहीं रास्ते में ही उधी उसे उधर ही रास्ते से ही जो गुजरते हुई रेस थी वो वाली, उसके बारे में बता रखा है उसने कि ये मैंने कभी नहीं रेस में पार्ट लिया, और जिसमें कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ इधर पिक्चर में भी हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। हर फ्रेंड जीनत हर्ड हर टॉकिंग टू हर सेल्फ, शी कम्फर्टेड मनीषा, स्टॉप वरिंग आई नो यू विल श्योरली विन। अब उसकी जो फ्रेंड है जो उसके बराबर में बैठी हुई थी जीनत, जो पार्टिसिपेटेड थी, तो वो कहती है, वो उसको जीनत को सॉरी मनीषा को बात करते हुए खुद से सुनती है, तो वो कहती है उसको कंफर्टेड फील कराते हुए कहती है, मनीषा घबराओ मत, तुम ज़रूर जीतोगी। अब देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या है। मनीषा वॉज ऑल नर्व्स।